आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हुंडई अल्कज़ार के बारे में, जो क्रेटा की एक 7 सीटर SUV होने वाली है। हुंडई अल्कज़ार स्टार्टिंग अप्रैल में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन COVID-19 की वजह से यह लॉन्च नहीं हो पाई। लेकिन इसकी लॉन्चिंग की डेट मई के एंड में या फिर जून स्टार्टिंग में हो सकती है। सबसे पहले इसके व्हील बेस के बारे में बात करें तो इसका व्हील बेस बड़ा होने वाला है, क्योंकि यह क्रेटा से थोड़ी लंबी है। और साथ ही इसके कुछ फीचर भी सामने आ चुके हैं, और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ हुंडई अल्कज़ार के बारे में। तो चलिए देखते हैं पूरी डिटेल हुंडई अल्कज़ार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। इंजन एंड गेयरबॉक्स ऑप्शन की बात करें तो 152 BHP वाला 2 लीटर पेट्रोल इंजन, जो भारत में एलेंट्रा सेडान और टूसन SUV में आता है। यह इंजन या तो 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएगा एलेंट्रा सेडान के अंदर। हुंडई अल्कज़ार रिवील इन इंडिया। हुंडई अल्कज़ार 3 गाड़ियों को रिवील करेगी, MG हेक्टर प्लस, टाटा सफारी और XUV 5W नेक्स्ट जनरेशन। हुंडई अल्कज़ार की डिज़ाइनिंग को देखें तो क्रेटा और अल्कज़ार में आपको सिर्फ लंबाई का ही अंतर मिलेगा, और इसमें आपको सामने चमचमाती हुई ग्रिल मिल जाती है और पीछे टेल लाइट, और उसमें काफ़ी आपको अंतर देखने को मिल सकता है। इंटीरियर की बात करें तो हुंडई अल्कज़ार के अंदर आपको 6 और 7 सीट दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। हुंडई अल्कज़ार के अंदर आपको एक बड़ी टच स्क्रीन देखने को मिल सकती है, जो क्रेटा में आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती थी। अब हुंडई अल्कज़ार के अंदर आपको बड़ी टच स्क्रीन देखने को मिल सकती है। और इस गाड़ी का दूसरा अपडेट है इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, कि इस गाड़ी के अंदर आपको एडवांस ड्राइविंग सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। और इस गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा और ब्लू लिंक कार टेक्नोलॉजी, एयर क्वालिटी कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है। इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिलेगा। और इंटीरियर का एक स्पाइस शॉट्स को देखने के बाद, इसके अंदर आपको डुअल टोन कैपन सीट, कप होल्डर के साथ एक फ्लोर माउंटेड सेंट्रल आर्मरेस्ट और इसके नीचे स्टोरेज कंसोल भी देखा जा सकता है। आईएसओवी चाइल्ड सीट माउंट के साथ आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल सकता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये बिल्कुल क्रेटा जैसी ही होगी, लेकिन जानकारी के मुताबिक हुंडई अल्कज़ार क्रेटा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये क्रेटा से लंबी है और इसके डायमेंशंस भी ज़्यादा हैं क्रेटा से। यह वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।